तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के खिलाफ आज हमला बोला है। वरंगल में आयोजित अपनी टीआरएस जनसभा के खिलाफ जोरदार भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। सार्वजनिक बैठक में किसानों पर दिखाए गए अपने असाधारण प्रेम के लिए केसीआर पर आरोप लगाते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस 2019 के चुनाव में सत्ता में आने पर काम कर रही है और जल्दी चुनावों की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस किसानों के लिए इसके एजेंडे के पर भी काम कर रही है। इंद्रामा घर, महिला सशक्तिकरण और बेरोजगार भत्ते। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि चुनाव योजना कुछ महीने में जारी की जाएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस हमेशा से ही जनता के हित में काम करती रही है, साथ ही सत्ता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, जिसके चलते किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है।